गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग थोड़ा काफी लेट स्टार्ट कर रहे हैं, अरे क्योंकि सुबह ये रविंद्र भाई आया था गांव से, इसको लाने चले गए थे और अभी जस्ट कॉलेज आ गए हैं, एक लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है एंड फिलहाल थोड़ी धूप सेक रहे हैं और थोड़ी देर बाद वापस एक क्लास है उसके लिए जाएंगे कॉलेज के अंदर। और जस्ट ये हमारा कॉलेज है तो गाइज अभी हम मिलाने वाले हैं, हमारे कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है आईसीआर से। सर कौन सी ब्रांच से हो? ये फॉरेस्टी सिल्वी कल्चर है, फॉरेस्ट गार्डन सिक्योरिटी। अच्छा फॉरेस्टी फॉरेस्ट गार्डन सिक्योरिटी से हैं। पहले आप इनके ये नक देखो, ठीक है थोड़े दो। और भाई क्या हाल चाल है, व्लॉग में कुछ कहना चाहोगे? काफी प्यारा डॉगी है और ये हमारे कॉलेज की एक जो प्यारी कुतिया है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। थोड़े दिन की खूबसूरती है, बाद में ये भी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा लपोड़ लिखतर हो जाएगा लिखतर। अभी ये अच्छा लग रहा है, अभी ये ठीक लग रहा है। फिर इनकी नाक ऐसे ही रहने चाहिए यार, फिर नाक छोटा ही रहना चाहिए। एक ऐसी वैरायटी तैयार करनी पड़ेगी जो इतनी रहे। वैसे वो अगर जो कुत्ती होती है वो अपने कुकरियों कैसे फोड़ती है, अपन तो ऐसे ही मतलब हाथ में लियो वो ऐसे लटका के क्या करते फिर इनको ऐसे ले जाती है। चलो इनको अभी रेस्ट करने देते हैं। इसका नाम तो बता दो। नाम टॉमी, टॉमी एंड जैक्सन। टॉमी नहीं, इसका नाम रखेंगे, नाम रखते हैं बोरिया खान। वैसे हमारे एक सर भी है बोरी सिंह जी, खैर उनकी। तो गाइज अभी हम हमारे कॉलेज के पीसी में आए थे, जो प्रोटेक्शन कल्टीवेशन इकाई यूनिट बोलते हैं उसको। इसके अंदर हमारे वाइट कलर के क्राइसेंथेमम लगे हुए हैं, पियोनी क्राइसेंथेमम बोलते हैं इनको, जो कि आप देख रहे हो मस्त पीछे से फ्लावर कितने शानदार दिख रहे हैं। इनका मैं एक शॉर्ट्स बना के डालूंगा इस वीडियो में, आगे आप देखेंगे बहुत ही शानदार है गाइज। आप मतलब हमारे कॉलेज के पीसी में कभी विजिट करने आओगे ना, इतनी विभिन्न तरह की आपको वैरायटियाँ मिलेगी फूलों में, शानदार शानदार यहाँ के पौधे। और जो पीछे आप यूनिट देख रहे हो उसमें लगे हुए हैं अपने पोली हाउस लगे हुए हैं, जिसमें से एक तो हाइड्रोपोनिक्स का भी है, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, अगर उसके लिए मैं पर्सनल वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा उसके अंदर सिस्टम है, वो यूनिट किस टाइप से काम करती है और मतलब काफ़ी नॉलेजेबल वो वीडियो होगा। तो मैं आपको जिस दिन बनाऊंगा उसके अगले दिन व्लॉग में बोल दूंगा, तो आप बिल्कुल यही देखना ना भूलें। गाइज अभी मैं दिखाता हूँ हमारे पीसी के अंदर कितने बड़े बड़े ब्लॉक की लगती है, ये देखिए आप, एक लगभग 5-10 किलो से ऊपर ही है। और ये पुमकिन है, काफी बड़े बड़े हैं यहाँ पे। तो ये गाइज है हमारी जो पॉली हाउस यूनिट है, इसके अंदर जो बीच में दिख रही है आपको स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, वो अभी हम स्ट्रॉबेरी ले आएंगे आप और मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में किस टाइप से होती है। यहाँ मस्त मस्त और क्राइसेंथेमम के फ्लावर लगाए हुए हैं। अभी हमने ये जो स्ट्रॉबेरी ले लिया वो इस टाइप की कुछ पैकिंग में मिलती है, जो कि प्लास्टिक कवर है इनका, जो इनमें सेप रहते हैं, ये काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होती है। और आगे हम ऐसे घूमते हुए इनको अभी खाएंगे, एक निकाल तो इन बार। और भाई साइज में काफ़ी बड़ी है भाई, ये साइज है हमारे इधर स्ट्रॉबेरी फॉर्म की और काफ़ी हेल्थी है। और कॉलेज से भी यहाँ बड़े स्तर पे भी बेचते हैं मंडियों में, और यहाँ से हम कॉलेज वाले स्टूडेंट भी ले सकते हैं, या फिर कोई बाहर का यहाँ विजिट करने आता है वो भी ले जाता है इनको। और भाई मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लसलसीली। और स्ट्रॉबेरी खाने के फायदे अगर मैं बताऊँ तो, अगर आप स्ट्रॉबेरी खाते हो तो स्किन आपकी टाइट होती है और होंठ वगैरह का रंग थोड़ा गुलाबी टाइप होता है, आँखों का जो पुतलियाँ होती है वो काफ़ी वाइट होती है, और विटामिन सी से पूरी ये भरपूर होती है। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया इस सीज़न की स्ट्रॉबेरी, वैसे ऐसे तो खाते ही आ रहे हैं, लेकिन इस सीजन की पहली टेस्ट कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा किस टाइप से है। गाइस बहुत ही डेलीशियस है और काफी खट्टी मीठा स्वाद है इसका। और भाई बहुत बढ़िया है, ट्रायल के रूप में पर बहुत बढ़िया है।
और कॉलेज की जो फ्रूट वगैरह होते हैं उनमें खाने का अलग ही मज़ा है। ये स्ट्रॉबेरी आप मार्केट से लोगे तो इतनी फ्रेश आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये अभी भी ये देख रहे हो पीछे से थोड़ी बहुत कच्ची है, इसने पूरी तरीके से रंग नहीं लिया है, हालांकि एक दो दिन पैक होने के बाद ऑटोमेटिकली पूरी रेड हो जाती है। काफ़ी स्वादिष्ट है गाइज, आप वीडियो देखो मैं खा रहा हूँ। तो गाइज अभी मेरा वापस मन हो गया था अपने छोटे भाइयों से मिलने का, मतलब पिल्लो कुत्तों से, तो ये एक और नया पकड़ में आया इस बार। ये काफ़ी मासूम दिख रहा है, थोड़े दिनों बाद ये बिगड़ जाएगा लेकिन अभी ये मासूम है। और भाई अपने गाइज को से हेलो आए कुछ कर दे, ये बोल रहा है सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, है ना, बेल आइकन के ऊपर ऐसे ऐसे इसके इसके जितना वेट है ना उतना दबाना उस पर। गाइज आज हमारी है फ्लोरिकल्चर की क्लास, सर हमको फील्ड में ले आए हैं इधर। ये जा रही हमारी क्लासमेट जनता, सर के सामने वीडियो थोड़ा नहीं बना सकते हैं इसलिए। गाइज सर 2 घंटे से घुमा रहे हैं, अब जाके सरसों के खेत में लेके आ गए हैं और यहाँ हम पकड़ेंगे मक्खियाँ। तो आप सरसों का खेत देखिए पीछे कितना शानदार है, छोटा ही है छोटा ही मगर शानदार है, हमारे टाइम पास के लिए मक्खियाँ मिल जाएगी इसमें। तो गाइज अभी हम वॉलीबॉल खेलने आए हैं शाम के टाइम थोड़े बहुत, और ये छोटे मोटे बच्चे खेल रहे हैं, मैं तो क्या ही खेलूंगा इनके साथ थोड़ी। अरे वॉलीबॉल खेल बना जाओ, ये सब्जी मंडी की तरह। तो गाइज आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही अपने रोजाना व्लॉग यूट्यूब पे आते रहेंगे सुबह 11 से 12 बजे के बीच। अपने जब भी मैं कॉलेज जाऊंगा लाइब्रेरी वाईफाई से वीडियो अपलोड कर दूंगा, एंड ऐसे भाई के साथ सपोर्टिव प्यार बनाए रखें। थैंक यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।